बिहार के अररिया जिले में कुर्साकांटा के सुंदरनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक करती ये हैं आईएएस ऑफिसर इनायत खान। इनायत को हाल ही में अररिया जिले का डीएम बनाया गया है। जिले में डीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले ही दौरे पर वो सुंदरनाथ धाम मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। एक कड़क प्रशासनिक ऑफिसर के तौर पर पहचान बना चुकी इनायत खान की कार्य प्रणाली की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। इनायत जब शेखपुरा जिले की डीएम थी तब उनके कार्यकाल में शेखपुरा में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में युवा जिलाधिकारी इनायत के काम की सराहना की थी। शेखपुरा को भारत सरकार की ओर से 113 प्रेरणादायक जिलों में चुना गया था। इन 113 जिलों में शेखपुरा 5वें स्थान पर था। 17 मई 1987 को उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मी इनायत ने आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी की, मगर उनका मन सिविल सर्विसेज में जाने का था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वर्ष 2009 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज का अपना पहला अटेम्प्ट दिया। इसमें प्रीलिम्स और मेंस तो उन्होंने क्लियर कर लिया, मगर फाइनल में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद एक साल का ब्रेक लेने के बाद उन्होंने वर्ष 2011 में यूपीएससी का अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया और सफलता हासिल की। उन्होंने 176वीं रैंक हासिल की और अपने आईएएस बनने के सपने को साकार किया। 35 वर्षीय इनायत ने पुलवामा आतंकी हमले के दो शहीदों की बेटियों को भी गोद ले रखा है। वो शहीद रतन ठाकुर और शहीद संजय सिन्हा की बेटियों की शिक्षा और परवरिश का खर्च भी उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।